हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइस कोचिंग बाय माइस शिखर। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके घंटी बजाओ ताकि मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद आपके मोबाइल पर घंटी बज जाए। लाइक भी करो, शेयर भी करो। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले सब्जेक्ट प्लस हैव हैज हैड प्लस वर्ब 6। इस फार्मूले का यूज कहाँ पे कैसे किया जाता है, किस सेंस से किया जाता है, ये आज अपन आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये अपन आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस फार्मूला का यूज तब किया जाता है जब अपन को योग्यता बताने हो, प्लानिंग बताने हो, आवश्यकता हो, या तो कि या तो फिर लाचार हो इस बात के, या तो फिर अपन को किसी बात पे जोर देना हो, या तो फिर किसी बात पे किसी काम पे प्लानिंग हो, आवश्यकता हो, तब अपन इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो अपन इस फार्मूला का यूज करते हैं, जैसे कि मैंडेटरी हो, काम मैंडेटरी है, जाना तो जाना ही है, मुझे घर जाना ही है तो जाना ही है, तो जाना ही है, मजबूरी है, या तो फिर वो जरूरी है, या तो फिर प्लानिंग होंगे, जाना तो मुझे जाना है तो जाना है, बस। इसलिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज हैड प्लस वर्ब 6 का इस फार्मूले का यूज किया जाता है। आप लोगों को तो पता ही है हैव हैज प्रेजेंट टेंस की बात करता है, हैड पास्ट टेंस की बात करता है, ठीक है। वर्ब 6 बोला जाए तो वर्ब 1 प्लस सर बताए 2 प्लस वर्ब 1 इज इक्वल टू वर्ब 6, ठीक है ना। 2 प्लस वर्ब 1 इज इक्वल टू वर्ब 6 होता है, मतलब 2 के बाद वर्ब 1 लगाना है। वर्ब 6 मतलब 2 के बाद वर्ब 1 लगाना है, इसलिए 2 के बाद वर्ब 1 लगाया, वर्ब 6 हो गया। तो आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो मुझे जाना पड़ेगा। कोई तो प्लानिंग होंगी मेरी, जाना पड़ेगा मुझे, कोई तो प्लानिंग होगी या तो कोई तो आवश्यकता होंगी। ही हैज टू प्ले, उसे खेलना ही पड़ेगा, उसे खेलना ही पड़ेगा, तो उसे खेलना पड़ेगा, या तो फिर उसे खेलना पड़ेगा, या आवश्यकता है, प्लानिंग है, बात को जोर देना है, उसे खेलना पड़ेगा, ठीक है। ही हैज टू प्ले, उसे खेलना पड़ेगा, उसे तो खेलना ही पड़ेगा, ही हैज टू प्ले, ठीक है। दे हैड टू कम, उन्हें आना पड़ा, दे हैड टू कम, या किसी बात पे, या किसी प्लानिंग से, या किसी आवश्यकता से उसे आना पड़ा, उन्हें आना पड़ा, प्लानिंग कुछ तो होंगी, मजबूरी होंगी, कुछ तो होगा, दे हैड टू कम, उन्हें आना पड़ा। आई हैव टू गो टू विलेज, मुझे गाँव जाना ही है, क्योंकि मुझे गाँव जाना ही है, मुझे गाँव जाना ही है। आई हैव टू गो टू विलेज, मुझे गाँव जाना ही है, कुछ तो मजबूरी होंगी, कुछ तो प्लान होगा, मुझे गाँव तो जाना ही है, ठीक है। ही हैज टू राइट ए लेटर, उसे पत्र लिखना ही है। इस तरह से इस फार्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके और ऑप्शन चूज करो, घंटी बजाओ ताकि मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाए, ठीक है। नमस्कार।